ओम शांति। बाबा ने हम सभी को ज्ञान दिया और राजयोग सिखाया, विशेष रूप से संपूर्ण पावन बनाने के लिए, क्योंकि हमारी पवित्रता से ये संपूर्ण प्रकृति पवित्र जाती है। हमारी पवित्रता के वातावरण से, वाइब्रेशन से अनेक आत्माएं निष्पाप होने लगती हैं। बाबा ने हमें पवित्र आत्माएं बनाया, हम में से 108 आत्माएं तो संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं, उसमें भी 8 तो बाप समान पवित्र, जो ऐसे मानो विश्व गगन में पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो गया हो, उनके प्रकाश से विश्व का अंधकार दूर हो जाता है। तो हम योग बल से स्वयं को पवित्र बनाएं। याद रखेंगे, बिना 4 घंटे रोज योग अभ्यास के कोई भी पवित्रता के बल से संपन्न नहीं हो सकता, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारी कर्मेंद्रियां योग बल से कंट्रोल्ड हो जाती हैं और शीतल भी हो जाती हैं। ये विशेष लक्ष्य में रखना है, काम की उत्तेजना पूरी तरह शांत हो जाए, क्रोध की ज्वाला पूरी तरह शांत हो जाए, अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाए। ये प्रत्यक्ष स्वरूप होगा कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का। तो हम सभी स्वराज्य अधिकारी बन जाएं और रोज बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। आज विशेष रूप से मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, भ्रकुटी मेरा सिंहासन है। राजा बनकर बैठ जाएं अपने सिंहासन पर, फीलिंग दें, मैं मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ, संस्कार मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि कोई भी संस्कार मुझे खींच ले जाए और हम कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाएं, संस्कारों के भी राजा। संकल्प कर दें, मेरे संस्कार तो पूरी तरह डिवाइन हैं, देव संस्कार हैं मुझ में, परमात्मा संस्कार हैं मुझ में, ईश्वरीय संस्कार लेकर ही हम जन्मे हैं। मन के भी हम मालिक और बुद्धि के भी मालिक। ऐसे नहीं मन व्यर्थ की चीजों में भटकता रहे, कामुक चित्रों के पीछे आकर्षित होता रहे, बुद्धि उनको अपने अंदर समा ले। नौ, अब हमारी बुद्धि योगियों की बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि है, तो मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। विशेष रूप से अपने सिंहासन पर बैठकर, अकाल तख्त पर बैठकर अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ और मेरी किरणें मेरे ब्रेन में और पूरे शरीर में फैल रही हैं, अंग अंग को शीतल कर रही हैं। इन पवित्र किरणों से ही कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं, अंग अंग शीतल होता है। तो हम अपने योग के चार्ट को 4 घंटे तक ले चलें, कुछ देर बैठें अवश्य, परंतु कर्म योगी बन जाएं, स्मृति स्वरूप हो जाएं, भिन्न भिन्न कर्मों में अलग अलग अभ्यास को जोड़ दें। विशेष रूप से खाना खाते हुए कम से कम 21 बार याद हो जाए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और बाबा मेरे साथ बैठा है। स्नान करते हुए भी, मैं आत्मा इष्ट देव देवी हूँ, ये मेरा देह मंदिर है। घूमते हुए, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से प्योर वाइब्रेशन फैल रहे हैं। तो आज विशेष रूप से प्योरिटी पर ही फोकस करेंगे, योग अभ्यास को भी प्योरिटी से संबंधित बनाएंगे। पानी पीते हुए, चाय दूध पीते हुए, मैं
पवित्रता का फरिश्ता हूँ। तो आज के सारा दिन भिन्न भिन्न कर्मों में हम ये अभ्यास करते रहेंगे और स्वयं को ऐसा योग युक्त बनाएंगे कि मन भी शीतल और कर्म इंद्रियां भी शीतल हो जाएं। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।